गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द डेविएशन एंगल, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने ग्राफ बनाया था बिटवीन आई एंड डेविएशन। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। तो उस ग्राफ में क्या था कि आई और डेल्टा के बीच का कर्व था। तो जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया कि हम यदि इंसिडेंट एंगल का वैल्यू यदि हम इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो जो डेल्टा का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप में चेंज होता है, जो डेल्टा का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप में चेंज होता है। तो हमें पता चला था कि आई की एक वैल्यू पर, आई की एक वैल्यू पर जो डेल्टा है वो क्या आता है, मिनिमम। डेल्टा क्या आता है, मिनिमम। और वो आई की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, इमर्जेंट एंगल के। आई की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, इमर्जेंट एंगल के इक्वल आई थी। तो ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल में हम लोगों ने क्या किया कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन इंसिडेंट एंगल आई और डेविएशन एंगल डेल्टा। तो जैसे जैसे हम ग्राफ बनाते हैं या आई का वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, तो पहले क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज होता है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है, और उसके बाद फिर डेल्टा का वैल्यू क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो जहां पर डेल्टा मिनिमम आ रहा था, जहां पर डेल्टा मिनिमम आ रहा था वहां पर आई इज इक्वल टू क्या हो रहा था, ई। आई इज इक्वल टू क्या हो रहा था, ई हो रहा था। और इसी केस से हमें क्या पता चला, एट आई इज इक्वल टू ई, एट आई इज इक्वल टू ई, आर वन इज इक्वल टू आर टू। आर वन इज इक्वल टू भी क्या आ रहा था, आर टू आ रहा था, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो मिनिमम डेविएशन है वो हमेशा किस कंडीशन पर आता है, आई इज इक्वल टू ई पर, और आर वन इज इक्वल टू क्या होता है, आर टू। तो वहां से हमें एक रिफ्रैक्टिव एंगल का फॉर्मूला पता चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। कि जब भी हमें प्रिज्म गिवन है, वेन एवर प्रिज्म इज गिवन, वेन एवर प्रिज्म इज गिवन, ठीक है। तो जब भी हमें प्रिज्म गिवन है और हमें कौन सा कंडीशन गिवन है, मिनिमम डेविएशन का, और कौन सा कंडीशन गिवन है, मिनिमम डेविएशन का, तो उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। याद रखना ये साइन बाई टू नहीं है, ये साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू होता है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिज्म के केस में जब हमें मिनिमम डेविएशन का कंडीशन गिवन है तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या है, ठीक है, डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, ठीक है। ए क्या है, प्रिज्म एंगल, ये क्या है, प्रिज्म एंगल। इसका वैल्यू हमें हमेशा गिवन होता है, इसका वैल्यू हमें हमेशा गिवन होगा। तो क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किए थे बिटवीन किस किस के, डेल्टा और आई के, ठीक है। तो ग्राफ इज ड्रॉन, लिखना चाहो तो थ्योरी भी लिख लेना। तो ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड इंसिडेंट एंगल, ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डेविएशन एंगल एंड एंड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल
बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड डेविएशन एंगल डिक्रीज, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल डेविएशन एंगल डिक्रीज अप टू ए फिक्स वैल्यू, अप टू ए फिक्स वैल्यू एट दिस डेल्टा इज नॉन एच, एट दिस डेल्टा इज नॉन एच मिनिमम डेविएशन एंगल, डेल्टा इज नॉन एज मिनिमम डेविएशन एंगल एंड एंड एट दिस इंसिडेंट एंगल बिकम्स, इंसिडेंट एंगल बिकम इक्वल टू दी इमरजेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बिकम इक्वल टू द इमरजेंट एंगल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है ना आई इज इक्वल टू ई, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, आई इज इक्वल टू ई होता है, नोट कर लिया सबने। तो इसमें लिखोगे एट दिस वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल आर वन इज इक्वल टू आर टू, एट दिस वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, एट दिस वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल एंगल आर वन इज इक्वल टू आर टू, ठीक है। आर वन इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा, और यदि आर वन इज इक्वल टू आर टू होता है तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, इन सच ए केस, इन सच ए केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम की जगह लिखना मटेरियल, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू, वेयर ए इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल, और डेल्टा एम क्या हो गया, मिनिमम डेविएशन एंगल, यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है।